तो आज के हमारी इस क्लास में हम बात कर रहे हैं एरे फॉर्मूला की। एरे फॉर्मूला क्या है, क्या यूज होता है, क्या बेनिफिट्स है, सारे एग्जांपल हम कराएंगे आज की इस क्लासेस में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन। तो समझते हैं पहले हम एरे के ऊपर कि एरे का यूज क्या होता है। जैसे कि अगर हम बात करें एरे फॉर्मूले में, कि अगर मुझे मान लीजिए कि हमें एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में हमें देना है एरे, तो इसका यूज करते हैं एरे फंक्शन का। जैसे यहां पे आपको 1 2 3 4 5 इस तरह से देना हो, तो इस तरह से ना दे के हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे इक्वल करके कर्ली ब्रैकेट में 1, 2, 3, 4, 5, 6 कर देते, इस तरह के बेनिफिट कर देते। इससे फायदा क्या होता है, एक बार इसके जानते हैं, फिर इसके एग्जांपल अब देखेंगे। जैसे कि मैंने अपना नाम लिखा सुजीत, और मुझे अपने नाम को हर एक सेल में, अलग अलग सेल में लिखना है। तो इसके लिए जनरली अगर एरे यूज ना करें तो हम मिड फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, और इसमें हमने किया कि इसमें से जाओ पहले स्टार्टिंग से एक करेक्टर को अलग कर दो, फिर वापस हमने मिड का फॉर्मूला लगाया, इसको सेलेक्ट किया और हमने बोला कि दूसरे नंबर से एक करेक्टर उठा लें, फिर वापस मैंने मिड फॉर्मा लगाया, इसको सेलेक्ट किया और मैंने बोला तीसरे नंबर से एक उठा लो, फिर अगेन मैंने यहाँ पे मिड। तो हर बार आपको मिड फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और इस मिड फॉर्मूले में हर बार देखें तो क्या है कि आपका सब कुछ सेम है, बस ये जो नंबर है 1 2 3 4 ये चेंज हो रहा है। तो इसको करने से, इसको करने के लिए सिंपल सा हम एरे मेथड अपनाएंगे कि हमने मिड लिया और यहाँ कर्ली ब्रैकेट में हमने दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ पे हमने comma 1 कर दिया। मतलब सारा फॉर्मा लगा रहे कि जो नंबर हम अलग अलग सेल में देते थे उसी को हमने एक कर्ली ब्रैकेट में दे दिया। एंटर प्रेस करते ही आप देखिए एक फॉर्मूला हमारा पूरा काम कर गया। तो एरे के दो पार्ट होते हैं, पहला होता है डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो आप देख रहे हैं इसको डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं कि आप एक फॉर्मूले लगाएं और अलग अलग फॉर्मूले पे उसका इनपुट लें, अलग अलग इनपुट्स लें, इसको बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा आता है कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन का भी एग्जाम्पल एक बार देख लीजिए क्या होता है। जैसे मेरे पास कुछ नंबर्स हैं, मुझे इन नंबर्स पे कुछ कैलकुलेशन करना है, इस नंबर पे कुछ कैलकुलेशन करना है, तो क्या करें, क्या कैलकुलेशन क्या करना है, मुझे सबसे पहले तो मल्टीप्लाई बाय 3 करना है, डिवाइड बाय 5 करना है, प्लस 65 करना है, और अगेन मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 10 करना है, और फिर डिवाइड बाय 2 करना है, एक कैलकुलेशन करना है। अगर मैं इसको मैनुअल करूं तो क्या होगा, सबसे पहले तो मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करता हूं, 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर जो आया उसमें हमने 5 से डिवाइड कर दिया, 5 से डिवाइड करने के बाद फिर इसमें प्लस 65 करना है, प्लस 65, और फिर इस पे मल्टीप्लाई बाय 10 करना है इंडिविजुअली सीक्वेंस में, और फिर सबको डिवाइड बाय 2 करना है, फिर जो रिजल्ट आता है उसका सम यहाँ निकालना है। अब देखिए हम मुझे फाइनल रिजल्ट क्या चाहिए, 2687, बट ये 2687 के लिए हमने इतना लंबा कैलकुलेशन किया। अब इस कैलकुलेशन को एक सेल में किया जा सकता है, कैसे चलिए बताते हैं आपको। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, यहां पे सम और हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, मल्टीप्लाई बाय 3d डिवाइड बाय 5 प्लस 65 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड डिवाइड बाई 2,
इकट्ठा दे दिया, लेकिन ऐसा परफॉर्म ऐसा डालने से रिजल्ट सही नहीं आए क्योंकि हमने बोझ बांस मेथड को फॉलो नहीं किया, मतलब कि ब्रैकेट्स को फॉलो नहीं किया। तो इसको हमें ब्रैकेट के अंदर डालना होगा मल्टीप्लाई बाई थ्री इस तरह से। भुवन जी समझ में आ रहा है आपको? यस सर। ये 10,000 कैसे आ गया? ओके ओके, डिवाइड बाई 2 था ना, रिजल्ट सही है। तो ये हुआ कैसे? अब एक बार इसकी प्रोसेस को समझते हैं, प्रोसेस समझेंगे तो आएगा। तो फॉर्मूला बार में एवलेट फॉर्मूला पे हम जाते हैं और हम बताते हैं कि कैसे वर्क कर रहा है। देखिए यहां देखिएगा कैसे वर्क कर रहा है। तो एवलेट किया, सबसे पहले सारे नंबर को इसने अलग अलग कर दिए, फिर इसने क्या किया 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए 150, 195, 225, 288 आ रहा है। फिर मैंने वापस एवलेट किया तो इसने क्या किया 5 से डिवाइड किया, सेम 30, 39, 51 आ गया। फिर इसमें 65 ऐड किया, फिर 10 से मल्टीप्लाई किया एंड 2 से डिवाइड किया और फिर इसको सम कर दिया। तो ये हमारा एरे फंक्शन होता है। अब एरे में अगला आप कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल को हम देखते हैं। जैसे कि हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, मुझे इन नंबर्स का टोटल करना, मतलब कि 8+5+4+7। तो इसके लिए हमने भी मिड का जो एग्जाम्पल बताया था उसी एग्जाम्पल को लेंगे और इस, लेकिन डायरेक्ट नहीं लेंगे, इसको सम के अंदर लेंगे। सम मिड हमने इसमें इसको सेलेक्ट किया और कर्ली ब्रैकेट में हमने दे दिया 1, 2, 3, 4। फिर यहाँ पे हमने कर्ली ब्रैकेट क्लोज किया, कॉमा 1 किया और फिर यहाँ पे रिजल्ट 0 आया। अब रिजल्ट 0 क्यों आ रहा है एक बार यहाँ देख लीजिए। तो मिड फार्मूला किसके लिए वर्क करता है? मिड फार्मूला वर्क करता है टेक्स्ट के लिए। जो ये अलग नंबर्स को अलग अलग करेगा, 8, 5, 7 को अलग अलग किया तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में किया, टेक्स्ट है, और सम नंबर को टेक्स्ट करता है सम को नहीं। तो दो तरीके, एक तो मैं यहाँ पे वैल्यू लगा दूँ, वैल्यू फार्मूला सम करो तो रिजल्ट आ जाएगा, या फिर प्लस 0 भी कर सकते हैं तो रिजल्ट आएगा। तो इस नंबर को सम कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि अगर कल के डेट में मेरा डिजिट बढ़ता है तो मुझे यहाँ पे 4 के कॉमा करके 5 करना होगा, कुछ ऐसा हो कि ऑटोमेटिक हो जाए। तो यहाँ पे एक रो नाम का फॉर्मूला लगा सकते हैं, रो 1 से चले 5 तक, फॉर्मूला 1 मिनट। दो ब्रैकेट लग गया। ये रो फॉर्मूला क्या किया? रो फॉर्मूला ने यहां देखिए चला, रो क्या हुआ 1 से 5 तक टूट गया। तो एक छोटा आराम तो हो गई, लेकिन प्रॉब्लम है कि कनेक्टेड तो नहीं हुआ ना। बस रो फॉर्मूले को ऑटोमेट किया जा सकता है। एक याद है आपको, हमने एक लेन फॉर्मूला बताया था जो कि लेंथ बताती है। तो लेन फॉर्मूले ने इसका लेंथ बता दिया कि आखिर इसका लेंथ कितना है। बट प्रॉब्लम क्या है कि हमने यहाँ पे n% लगाने से हुआ क्या थी कि ये दोनों जो ज्वाइन होके रेफरेंस में कन्वर्ट हो गया, सॉरी इसमें टेक्स्ट में कन्वर्ट हो, मुझे रेफरेंस चाहिए। तो इसको हम इनडायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे और इनडायरेक्ट फॉर्मूला से इसको सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ देखिए 32 आ गया। अब कल के डेट में अगर इसमें रिजल्ट बढ़ते हैं तो ये भी बढ़ जाएगा, ठीक है। कल के डेट में अगर बढ़ते हैं तो भी अपना रिजल्ट इंक्रीज कर लेगा। तो अभी फॉर्मूला वर्क कैसे कर रहा है इसको भी एक बार समझ लें।
ये देखिए नंबर गया, लेन ने लेन निकाला, 9 है, 1 से 9 तक गया, इनडायरेक्ट ने उसको कन्वर्ट किया नंबर में, और ये देखिए आ गया 1 से 9 तक, और फिर अलग अलग सेल में आ गए, वैल्यू ने इसको नंबर में कन्वर्ट किया, सम में सम कर दिया। अब चलिए अब अगला जो टॉपिक हम बात करते हैं कंडीशंस की, कंडीशन नहीं कंडीशंस वगैरह अप्लाई कैसे करना वो बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक चीज मुझे जानना है, तो मुझे पता करना है कि इस सेल के अंदर में सबसे हाईएस्ट लेन किसका है, या मान लीजिए मुझे इसका सम करना है, मतलब कि इसकी लेंथ निकाले, इसको मैं क्या करना चाहता हूँ, कॉन्केट करना चाहता हूँ, पहला है मुझे कॉन्केट करना है, तो मैं देख लेता हूँ कि इस सबों को जो कॉन्केट करने के बाद इसका लेंथ क्या आएगा, तो जनरली हम इस तरह से करते हैं और यहाँ पे इक्वल करके निकालते हैं कि इसका लेंथ 48 आएगा, बट ये 48 के लिए मुझे यहाँ हर एक सेल में लेन फॉर्मा लगाना पड़ा, मैं चाहता हूँ ये चीज यहाँ एक सेल पे आ जाए, तो सिंपल सा है सम, इसके अंदर हमने लेन का फॉर्मा ली दिया और इसको सेलेक्ट आ गया आपका 48, लेकिन मुझे ही पता करना है कि इसमें सबसे हाइएस्ट नंबर किसका है। अब देखिए अब थोड़ा आती है बात कि अगर आप एरे फंक्शन अप्लाई करते हैं और कुछ कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो मैनुअल करें, उसके बाद हम उसको एरे में कन्वर्ट करेंगे, तो मुझे सबसे हाईएस्ट नंबर निकालना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लेन निकालूंगा कि हाईएस्ट सबसे बड़ा नाम कौन सा है, जिसका कैरेक्टर सबसे ज़्यादा कौन सा है, तो हमने 4 दिया, इसको सेलेक्ट कर लिया, आपके सामने आ गया रिजल्ट, फिर मैंने यहाँ से लगाया मैक्स का फॉर्मूला, मैक्स फॉर्मूला इसमें से मैक्सिमम नंबर 6 दे दिया, फिर वापस मैंने मैच का फॉर्मूला लगाया और मैच के फॉर्मूले से पता किया कि 6 का पोजीशन क्या है 2, और फिर मैं यहाँ इंडेक्स फॉर्मूला लगाया और इसमें से दूसरा नंबर रो उठा लिया, तो नीरज सबसे हाईएस्ट नेम, बड़ा सबसे बड़ा नेम नीरज है। इसको एरे में कैसे करेंगे, अब चलिए मैं इसको एरे में करके दिखाता हूं कि इसको एरे में कैसे किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले मैं लगाऊंगा फॉर्मूला मैच का, क्योंकि 6 जो है मैच है, या इंडेक्स भी लगा सकता हूं मैं, यहां सबसे पहले फॉर्मूला लगेगा इंडेक्स का, इंडेक्स फॉर्मूला इसमें रो नंबर जो कि मैच देगा, और मैच में मैं लगाया फॉर्मूला मैक्स का, मैक्स में मैंने फॉर्मूला लगाया लेन का, लेन, और मैक्स ने क्या किया, सबसे हाईएस्ट नंबर को लुकअप करेगा किसके अंदर, वो लेन के अंदर, कॉमा 0, सामने रिजल्ट नीरज आया, लेकिन कैसे कर रहा है परफॉर्म एक बार चेक कर लीजिए, देखिए यहां लेन फॉर्मूले ने रिटर्न किया, क्या रिटर्न किया, पूरा नंबर रिटर्न किया, मैक्सिमम जो नंबर आपको यहां दिख रहा है ए नंबर रिटर्न किया, और मैक्स फॉर्मूले ने क्या किया, इसमें से मैक्सिमम नंबर निकाल दिया 6, अभी इस मैच को 6 मिल गया लुकअप वैल्यू, और मैच किसमें करना है, इसमें करना है, तो इसने देखा कि दूसरे नंबर पर आपका मैच आ रहा है तो इसने 2 दे दिया, अब इनडायरेक्ट इंडेक्स को 2 नंबर रो मिल गया तो 2 नंबर रो का डेटा यहाँ शो कर देगा। अब यहाँ पे एक काम करता हूँ कि मैं यहाँ पे नंबर को बढ़ाता हूँ, मैंने बोला योगेश सिंह, तो रिटर्न देखिए यहाँ पे योगेश सिंह आ गया, इस तरह से ला सकते हैं आप यहाँ पे फंक्शन को काम कर सकते हैं, मल्टीपल फंक्शन को एज कर सकते हैं। अगर सेम ऐसा ही आया तो मुझे एक काम और करना है, मुझे इसका लास्ट करना है, लास्ट नेम, जैसे कि आप वी लुक इसमें आप जो है लास्ट नेम पता करना है, अब लास्ट नेम मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ लास्ट में कौन सा ये है रिपीटेड वैल्यू, नहीं, सबसे जो लास्ट नेम ऐड होगा वो यहाँ ऊपर आना चाहिए कि लास्ट एंट्री किसकी हुई है, ये मुझे पता करना है। तो कैसे होगा पता, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, कॉमा लेंगे,
मैक्स। लास्ट मतलब कि मुझे पता करना है कि इसमें वैल्यू होनी चाहिए, जो नंबर लिखे वो लास्ट डेटा दिख जाए। तो इसको क्या करें, इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पे इफ का कंडीशन देंगे कि इफ अगर एक ग्रेटर देन जीरो है तो इसका रो नंबर पता चल जाए, फिर एरे के अंदर डालूंगा। और नीचे तक हम ले लेते हैं, फॉल्स आया। फिर मैं यहाँ पे लगाऊंगा फॉर्मूला मैक्स का, और मैक्स फॉर्मूला मुझे मैक्सिमम नंबर निकाल दिया 48। फिर वही मैच लगेगा जो भी उससे ऊपर मैंने किया है, सेम चीज मैं यहाँ पे करूंगा, कॉमा जीरो, 10 नंबर आ गया। और फिर यहाँ पे इंडेक्स फॉर्मूला, और इसमें से ले लेता हूं 10 नंबर अमित आएगा, जो भी नाम लास्ट में लिखेंगे, मैंने नाम लिखा पूजा तो पूजा आएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ए विदाउट विथ एरे आया है, मुझे इसको विदाउट एरे, सॉरी विदाउट एरे आया है, विथ एरे करना है, एक सेल में चीज निकालना है, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे सेल कंज्यूम होता है, बट मुझे एक सेल में निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं लगाऊंगा फॉर्मूला इंडेक्स का, हमने इसको सेलेक्ट करके एक ले लिया, एक एरिया ले लेते 52 तक का। फिर मैंने इसमें रो नंबर चाहिए, तो रो नंबर ने मैच निकाल के दिया, मैच दिया, मैच में लगाया फॉर्मूला मैक्स का, मैक्स में फॉर्मूला लगाया रो का, और हमने अपना रो नंबर सेलेक्ट कर लिया। और इसको हमने हमने सेलेक्ट कर लिया, कॉमा अगेन रो, कि भाई ढूंढना किस में है, तो 39 से लेके इसके अंदर एंड कॉमा जीरो एंड कॉमा जीरो। ओके, यहां मैक्स, मैंने मैक्स को क्लोज दे किया है। इसमें तो हमने इफ कंडीशन तो लगाया ही नहीं ना, या इफ कंडीशन लगाना होगा कि इफ ये वैल्यू हमने सेलेक्ट कर लिया कि अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, फिर से लगाता हूँ मैं यहाँ पे लगाता हूँ मैच फॉर्मूला। अभी देखिए जब प्रॉब्लम होती है, जब ऐसा लग रहा है कि फॉर्मूला की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो आप उसको टुकड़े में, टुकड़ों में लगाएं। तो मैक्स, मैक्स में हमने दिया इफ, इफ में हमने दिया नंबर लिया कि अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तो रो फॉर्मूला, रो फॉर्मूला किसको रिटर्न करे, इसको रिटर्न करें, अदरवाइज जीरो एंड ब्रैकेट क्लोज। इफ हमने कंप्लीट कर लिया, नहीं रो, यहां रो यहां मैंने करना होगा, रो को क्लोज किया और यहां पे हमने ब्रैकेट इफ को क्लोज किया, और यहां मैक्स भी हमारा क्लोज हो गया। अब लुकअप पे आते हैं कि फिर हमें लुक इस पे किस पे करना है, ये तो मैक्सिमम निकल गया, ढूंढना है हमें रो में। तो रो फॉर्मूला में हम A39 से A51 दे देते हैं, यहां पे कॉमा जीरो। अब देखिए रिजल्ट आ गया 11। और फिर यहां हम
इंडेक्स फॉर्मूला लगा इंडेक्स फॉर्मूला लगाते हैं और इसको ले लेते हैं कॉमा, रो नंबर में हम दे देते हैं जो भी यहाँ लाइट लास्ट में लिखेंगे वो यहाँ आएगा। तो लास्ट नंबर आपके सामने लिख दिया। क्लियर है सर, कोई डाउट इसमें? अच्छा, आप लोग वी लुकअप यूज करते हैं ना, तो यहाँ पे मान लीजिए हम नंबर देते हैं और यहाँ पे हम सिटी देते हैं। नंबर्स हम देते हैं, आपके सामने हमने कुछ नंबर दिया है और यहां पे हम सिटी दे देते हैं। अब यहां पे मान लीजिए कि मैं यहां पे 50 को शो करना चाहता हूं, तो वी लुकअप जब इसको हम लगाएंगे तो 50 यहां नहीं है, हमारे डेटा में 50 नहीं है, तो वी लुकअप रिजल्ट एन ए देगा। तो बोलेंगे जीरो दिया इसके जगह वन दे दीजिए, तो वी आपको रिजल्ट गलत ही देगा। इसका अलग सिस्टम होता है जो कि मैंने वी लुकअप में बताया है। तो मुझे ये देखना है कि भाई इसके नियरेस्ट, जैसे 49 हो सकता है या 51 हो सकता है या 52 हो सकता है, जो नियरेस्ट है उसका टोटल यहाँ पे दे दे, वह उसका नेम यहाँ पे शो कर दे। तो नियरेस्ट कैसे निकाले? तो चलिए सबसे पहले तो हम इसका मैनुअल वर्क एक बार करते हैं, मैनुअल करते हैं सबसे पहले। तो मैनुअल में हम क्या करेंगे कि 50 से माइनस करेंगे इसको, रिजल्ट प्लस या माइनस में आएगा। तो इसके लिए हम एवीएस फॉर्मूला लगाएंगे ताकि वो एब्सोल्यूट हो जाए। तो यहाँ आप देखिए एब्सोल्यूट हो गया, और फिर इसका हम मिनिमम नंबर निकालेंगे कि सबसे छोटा कौन सा है, जो जो सबसे छोटा है वही सबके नियरेस्ट है। फिर मैच फॉर्मूला लगाऊंगा और मैच फॉर्मूला में इस दो नंबर को हम यहां लुकअप करेंगे। मैच कर लिया, और फिर यहां पे हम इंडेक्स फॉर्मूले के जरिए इसमें से दो नंबर रो का डेटा निकाल दें। इसी चीज को हम करते हैं एरे के थ्रू, क्योंकि नॉर्मल हमने किया तो काफी लंबा चौड़ा हमें एरिया लेना पड़ा और ऑटोमेटिक भी नहीं है। तो यहां पे हम लिखेंगे 50 माइनस ए, देखिए ऐसे नहीं, और इसके लिए सबसे पहले मुझे मैच इंडेक्स फॉर्मूला लेना पड़ेगा। इंडेक्स में हमने ए ले लिया, फिर हम यहां पे लगाया मैच फॉर्मूला, और मैच फॉर्मूले में हमने मिनिमम का फॉर्मूला लगाया और हमने इस 50 माइनस इन नंबर्स को ले लिया। लेकिन एवीएस में होना चाहिए, एवीएस में, क्योंकि माइनस और प्लस दोनों आएगा ना, तो एवीएस क्या करेगा, प्लस को प्लस रखेगा बट माइनस को माइनस कर देगा। तो ए से क्या हुआ, मिनिमम नंबर निकल गया। फिर मुझे ढूंढना किस में है, एबीएस डी 57 माइनस ए 59 से ए 74, और हमने इसको ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, कॉमा जीरो। अब यहां पे हम में आ गया। अगर मैं यहां पे 44 करता हूं तो पटना आता है, अगर मैं यहां पे 30 करता हूं तो 30 के नजदीक भी पटना ही है, मैं 25 करता हूं यहां पे मैं 60 किया तो जयपुर,
जयपुर 60 के नजदीक जयपुर कैसे होगा? हाँ यार जयपुर सबसे नजदीक। मैं यहाँ करता हूँ मान लीजिए 15 करता हूँ, सॉरी यहाँ पे 15 में लिख दिया, 15 करता हूँ तो नोएडा, नोएडा का 96 पे है, इरा नोएडा 12 पे है। तो समझ में आया आप लोगों को? भुवन जी, कामरान जी, संग्राम जी, समझ में आया? कोई डाउट इसमें? बट जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक होगा नहीं, तो इसकी